मंडला जिले के बड़ी खैरी के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जिसके चलते आज भी वह झोपड़ी और टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए कई बार आवेदन दिया है, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। केंद्र और प्रदेश स्तर पर सरकार विभिन्न योजनाएं तो चलाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन किस तरह किया जाता है, यह किसी से छुपा नहीं है। सरकारी योजनाओं को पलीता लगाती कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें हैं मंडला से लगे बड़ी खैरी ग्राम की, जहां अनेकों वर्षों से गरीबी रेखा में निवास कर रहे गरीब तबके के लोगों के आवास अब तक नहीं बने हैं। अनेकों बार पंचायत से आवेदन निवेदन के बाद भी उनके आवास नहीं बने, जिसकी वजह से आज वे टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। खैरी ग्राम के कुछ लोगों के सर पर छत तो है, लेकिन वह मजबूत नहीं। पॉलिथीन से तैयार हुई छत है, जो काफी कमजोर है। वही जो दीवारें हैं, वह साड़ियों से घेर कर बनाई गई है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर ये गरीब तबके के लोग आखिर कैसे रह रहे होंगे। वर्षों से इन लोगों के द्वारा पंचायत में आवेदन किया गया है, लेकिन अब उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला। हम लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास ना घर है ना कुछ नहीं है, न कोई देता भी नहीं है, और आवास के लिए हम लोग फॉर्म भी भर आया भी नहीं है। सब चीज़ों की दिक्कत होती है हमको, लेटरिन बाथरूम, यहाँ नल पे पानी भी नहीं आता है पूरा। हम लोग बहुत तो यहाँ से भरते रहते हैं, हम तो और मजदूरी करते हैं, बहन लोग स्कूल जाती हैं तो फिर और पढ़ाई में भी उनको दिक्कत होती है, तो फिर हम स्कूल नहीं जा पाते, कहीं कहीं नहीं जा पाते, पानी भरना पड़ता है हमको कहीं कुछ, तो नल भी आता नहीं है और नल में पानी भी नहीं आता है ढंग से। लेटरिन बाथरूम भी जाते हैं, वहाँ दिक्कत होती है हमको, और बना भी हम बहुत मुश्किल से अपने पैसों से बनवाए थोड़ा बहुत, तो उसमें भी दिक्कत होती है, कुछ बनता ही नहीं है अच्छे से, आधा है आधा नहीं है, इस टाइप में से है। और घर है, घर तो अभी हम सुधार रहे थे, वो भी पूरा टपक रहा है अंदर, जाके देख सकते हो आप लोग, बहुत टपक रहा है अंदर पूरा। हम अभी सुधार रहे थे, वही काम कर रहे थे, इसलिए रस्सी वस्सी लेके खड़े थे तो हम सुधार रहे थे। वो मलगा लगा भी लगाए बहुत मेहनत से, वो लगा ही नहीं रहा था, क्या करें, आवासी भी नहीं मिल रहा है। मेरी समस्या ये है सर कि इस जहाँ में तो काम धाम कर नहीं सकती हूँ, लड़का पढ़ाई करता है और जैसे जहाँ आदमी नहीं है तो मैं करूँ तो क्या करूँ। और आवास के लिए भी जा रहे हैं हम पंचायत में खड़ी खड़ी कई बार कि मैंने आवास कर दो आवास कर दो, तो आवास का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कह रहे हैं कि अभी नहीं बाद में बनेगा, अभी नहीं बाद में बनेगा कह रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं तो चल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, तो मैं कैसे करूँ। तो ये है कि ग्राम पंचायत में आवेदन देता हूँ मैं, तो उसका भी कुछ निराकरण नहीं हो रहा है। समस्या तो बहुत है, अंदर जाके देख लीजिए आप, पूरा मियाँ ना मकान छप्पर पूरा गिरने वाला है। आवेदन दे दे के परेशान हो गया हूँ मैं। आरडी कॉलेज बर्रा टोला बड़ी खैरी में रहता हूँ मैं, ग्राम पंचायत बड़ी खैरी लगती है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे यहाँ पूरा बताओ। मेरे यहाँ परिवार में कोई नहीं है, माँ भी चली गई, छोटा भाई भी चला गया, अकेले मैं बचा हूँ। किस तरह की समस्या हो रही बारिश के समय? बारिश के समय ऐसा है कि पूरा मकान पूरा ढह गया है, पूरा पानी अंदर आता है, सोने के लिए जगह तक नहीं बची है। हाँ, हमारा पूरा बाड़ा है, लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तीन तीन लड़की है मेरी, अकेले कमाने वाला हूँ मैं, तो कमाऊँगा तो घर बनाऊँगा, क्या करूँगा अकेला आदमी। और यहाँ पे पंचायत में वो करने गए थे, क्या कहते हैं, आवास आवेदन देने गए थे, अभी मिल जाएगा बोल रहे हैं, मिलते ही नहीं है, तो देख रहे हमारे घर ये पूरा, लड़के बच्चे को कहाँ रखूँगा मैं। जब हमने मामले पर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रमेश मंडावी से बात की तो उनका कहना था कि 2011 में सर्वे कार्य हुआ था, उस वक्त जो सूची तैयार की गई थी उसे लेकर ही आवास बनाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर पुनः आवास निर्माण किए जाएंगे। क्या है ये, पहले 2011 में सर्वे हुआ था और सर्वे के मुताबिक कार्रवाई हो रही थी और उसमें वो सर्वे भी खत्म हो गया, उसके बाद आवास प्लस आया उसमें ऐड हुआ है, और तो आवास प्लस तो भी चल ही रहा है, अभी भी आवास हमारे यहाँ 700-800 अभी बनना शेष है। इसके बाद अभी वर्तमान में इलेक्शन के पहले, विधानसभा के पहले, लाड़ली बहना योजना के तहत जो छूटे हुए थे, जो शेष बचे हुए थे, ऐसे आवासहीनों के नाम जोड़े गए हैं उसमें,
सूची बनी हुई, आवेदन लिया गया है तो उसमें नाम उनका होना चाहिए, क्योंकि मैं लिस्ट देखा नहीं हूँ, लेकिन वो होना चाहिए और वो 23 में उसको लाभान्वित हो जाएगा। अब नहीं भैया, अब उसको तो वो स्थानीय लेवल पर वही जानेंगे, अपन नहीं कह सकते कि क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना है, आज की डेट में कोई नया टारगेट नहीं है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जैसे ही नया टारगेट करेगा तो लाभान्वित हो जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि कच्ची और झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों का पक्के मकान में रहने का सपना जल्द पूरा होता है या अभी उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।